तो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। आई गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन आप सभी को करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप सभी को चले जाना दोबारा, यहाँ से दोबारा नहीं मतलब गाइस फर्स्ट टाइम जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से क्या करना है, आप सभी को यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे गाइस आप मॉडल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि गाइस आपको जो फोटो है किस तरीके से क्लिक करवानी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं एंड उसके बाद जो हम इसको ऐड करेंगे, बट इसमें से पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि इसमें शेडो बहुत ज़्यादा, तो मैं शेडो को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि जो फोटो जो है अच्छे से हमारी दिखने लगे। देन हम इसको जो है कुछ स्टेप से अपने यहाँ पे फुल स्क्रीन करके यहाँ पे जो हम अपने बैकग्राउंड में ऐसे ऐड करेंगे। एंड जैसे आप इसको ऐड कर लोगे, आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको साइज रख लेना है। एंड बाकी यार शेडो तो पहले से क्रिएट है, तो हमें यहाँ पे शेडो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करेंगे एक डमरू का पीएनजी, ठीक है, जो कि आपको अपने मॉडल के हैंड में देना है। अगर आप चाहो तो आपकी मर्जी है, यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोबारा से दूसरा पीएनजी ले लेता हूँ, क्योंकि यार ये जो है इसमें वाइट वाइट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं ये वाला पीएनजी दे दूँगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को जो यहाँ पे गाइस तिलक का पीएनजी लगाना है आपको, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको स्क्रीन कर लेंगे ताकि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो गायब हो जाए। देन हम फोटो को जूम करेंगे एंड इसको जो अपने यहाँ पे कुछ अपने यहाँ पे सिर के पास ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद जो है मतलब इसमें थोड़ा सा जो हमें कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे हम, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो जो वाइट वाइट है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रख लेनी है, जिससे कि ये रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कम कर लेते हैं एंड बाकी जो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो यहाँ पे अपनी फोटो को सेव करके लाइटरूम में ले जाना, ताकि रीटच करके हम इसको और भी रियलिस्टिक बना दे। सो यहाँ पे हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। एंड इसमें जाने के बाद आप लोग को जो यहाँ पे पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, एंड उसके बाद जो हाईलाइट्स हैं इसको बढ़ा देना है, एंड जो शेडो है इसको भी बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको ब्लैक्स जो कि आपको उसको कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको कलर्स में जाना है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर जो है इसको कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर लेना है आपको, उसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आप सभी को यहाँ से चले जाना है, यहाँ से आपको डार्क ये रेड कलर में, डायरेक्ट रेड कलर में जाने के बाद आपको उसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड उसके बाद जो है डार्क ब्लू में जाकर आपको जिसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड उसके बाद आपको जो इसका ह्यू है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आपको अपनी फोटो को डन करना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज़ करनी है थोड़ी सी एंड यहाँ पर विग्नेट डाल देना है एंड इसके नीचे आप सभी को मिलेगा फीदर का ऑप्शन, आपको इसको इंक्रीज़ कर देना है एंड जो मिड टोन है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देनी है एंड फाइनली यहाँ पे जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।